यशायाह अध्याय 43 यशायाह अध्याय 43 हे याकूब, तेरा सृजनार यहोवा है, और हे इस्राएल, तेरा रचने वाला अब यो कहता है कि तू मत डर, क्योंकि मैंने तुझको छुड़ा लिया है। मैंने तुझको नाम लेकर बुलाया है, तू तो मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए तब मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में से होकर चले तब तू उनमें न डूबेगा। जब तू आग पर चलेगा तब तुझे आँच न लगेगी और लव तुझे न जलाएगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, मैं इस्राएल का पवित्र तेरा उद्धार करता हूँ। मैंने तेरी छुड़ौती में मिस्र को और कूश और सबा को तेरी संति दिया। तू जो मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा, और मैं जो तुझसे प्रेम रखता हूँ, इस कारण मैं तेरी संति मनुष्य को और तेरे प्राण के पलटे में राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा। तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊंगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा। मैं उत्तर से कहूंगा कि दे दे, और दक्षिण से कि रोक मत कर। मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी की छोर छोर से ले आ। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। आंख रखते हुए अंधों को और कान रखते हुए बहरों को निकाल ले आओ। जाति जाति के लोग इकट्ठे किए जाए और राज्य राज्य के लोग इकट्ठे हो जाए। उनमें से कौन यह बात बता सकता वह बीती हुई बातें हमको सुना सकता है? वे अपने साक्षी ले आए जिससे वे सच्चे ठहरे। वे सुन ले और कहे, हाँ सत्य वचन है, यहोवा की वाणी है कि तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिसको मैंने इसलिए चुना है कि तुम समझकर मेरी प्रतीति करो और यह जान लो कि मैं ही हूँ। मुझसे पहले कोई परमेश्वर न हुआ और न मेरे बाद भी कोई होगा। मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़कर कोई उद्धार करता नहीं। मैं ही ने समाचार दिया और मैंने उद्धार कर दिया, और मैं ही ने वर्णन भी किया जब तुम्हारे बीच में कोई पराया देवता न था। इसलिए यहोवा की यह वाणी है कि तुम मेरे साक्षी हो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। आज से मैं ही हूँ और मेरे हाथ से कोई छुड़ा न सकेगा। जब मैं काम करना चाहूँ तब कौन मुझे रोक सकेगा? फिर यहोवा जो तुम्हारा छुड़ाने वाला और इस्राएल का पवित्र है, यो कहता है कि तुम्हारे निमित्त मैंने बाबुल को भेजा है और उसके सब रहने वालों को भगोड़ों की दशा में, और कश्तियों को भी उन्हीं जहाजों पर चढ़ाकर जिनके विषय में बड़ा बोल बोलते हैं ले आऊंगा। मैं यहोवा तुम्हारा पवित्र इस्राएल का सृजनहार तुम्हारा राजा हूँ। यहोवा तो समुद्र में मार्ग और प्रचंड धारा में पथ बनाता है, और रथों और घोड़ों को और शूरवीरों समेत सेना को निकाल लाता है, और वे तो एक संग वही रह गए और फिर नहीं उठ सकते। वे बुझ गए, वे सन की बत्ती की नाई बुझ गए हैं। वह यो कहता है कि अब बीती हुई घटना को स्मरण मत करो और प्राचीन काल की घटनाओं पर मन मत लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करूंगा, वह अभी प्रकट होगी, और क्या तुम उससे अनजान रहोगे? हाँ, मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। गीदड़ और शुतुरमुर्ग और आदि जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे, क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है ताकि वे मेरा गुणानुवादन करे। तो भी हे याकूब, तूने मुझसे प्रार्थना नहीं की, वरन हे इस्राएल, तू मुझसे उकता गया। तू मेरे लिए होमबलि करने को मेमने नहीं लाया और न मेल बलि चढ़ाकर मेरी महिमा की है। देख, मैंने अन्न बलि चढ़ाने की कठिन सेवा तुझसे नहीं कराई और न तुझसे धूप तिलाकर मुझे थका दिया है। तू मेरे लिए सुगंधित नरकट रुपए में मोल नहीं लाया और न मेल बलियों की चर्बी से मुझे तृप्त किया, परंतु तूने अपने पापों के कारण मुझसे कठिन सेवा कराई और अपने अधर्म के कामों से मुझे थका दिया है। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को
मिटा देता हूं और तेरे पापों को स्मरण न करूंगा। मुझे स्मरण करो, हम आपस में न्याय चुकाए। तू ही अपनी दशा का वर्णन कर जिससे तू निर्दोष ठहरे। तेरा मूल पुरुष पापी हुआ और जो जो मेरे और तुम्हारे बिछवाए हुए वे मुझसे बलवा करते चले आए हैं। इस कारण मैंने पवित्र स्थान के हाकिमों को अपवित्र ठहराया और याकूब को सत्यानाश और इस्राएल को निंदित होने दिया है।